बैतूल के गेंदा चौक क्षेत्र में बीती रात एक अनियंत्रित ट्रक अब्दुल अमीन के घर में जा घुसा, जिसके चलते ट्रक ड्राइवर बुरी तरह से ट्रक में लगभग आधा घंटे फंसा रहा, जिसे लोगों की मदद से बाहर निकालकर 108 एम्बुलेंस से उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया। घटना की सूचना लगते ही बैतूल SP DR तेनीवार, कोतवाली TI राजेश साहू मौके पर पहुंचे और ट्रक को घर से बाहर निकाला गया। हमारे संवाददाता अमित पवार ने बताया कि जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त ट्रक घर के सामने ही खड़ा था। ट्रक ड्राइवर उसे काफी देर से चालू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही चालू हुआ ट्रक अचानक से अनियंत्रित होकर दीवार तोड़कर घर में जा घुसा। घटना के वक्त सभी लोग घर में ही थे, लेकिन वे सभी बाल बाल बच गए। इस घटना में किसी की भी हताहत होने की खबर नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मसरा खान है जी। क्या घटना घटी? ये हमारे पापा का घर है, अब्दुल अमीन टीचर। रात के 11:30 बजे यहाँ पर एक ट्रक घुसा है। हम लोग, हमारी फैमिली, पापा बाहर गए थे। बाहर से आने के बाद घर में जब आए तो जब हम लोग यहाँ पे काम ही कर रहे थे, उतनी देर में कम से कम 15 मिनट पहले सड़क पर एक ट्रक बहुत बंद कर रहा था चालू कर रहा था। और पापा बाहर घर के सामने जहाँ पे ट्रक घुसा है वहाँ पे चींटियों की दवाई डाल रहे थे। उतने में कोई पड़ोसी गया तो वो उससे नमस्ते करने में लग गए और 2 सेकंड के अंदर ट्रक अंदर घुस गया। और हम, हमारे बच्चे यहीं पर जहाँ पे ट्रक घुसा है वहाँ पे पड़ के उठे ही थे। खुदा का कितना शुक्र है, आज तो किसी न किसी की जान जाती थी। और ये तीसरी बार है जो हमारे घर में, सदर में हमारे घर में तीसरी बार में ट्रक घुसा है और कोई मुआवजा नहीं मिलता और कुछ नहीं मिलता और कोई प्रशासन ध्यान नहीं देता है। स्पीड ब्रेकर वगैरह बने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है किसकी गलती है इसमें? प्रशासन की गलती। अगर स्पीड ब्रेकर होता तो क्यों इतनी बड़ी परेशानी आती? आए दिन घटना हो रही है। क्या घटना क्रम हुआ है? थाना क्षेत्र में गेंदा चौक स्पॉट है, वहाँ पे एक ट्रक नंबर है जो अनियंत्रित अवस्था में जो है अब्दुल अमीन के घर में घुस गया है। और जो ड्राइवर चला रहा था गाड़ी उसको भी, वो भी घायल है, उसको एडमिट करवा दिया गया हॉस्पिटल में। अभी जो है मौके स्पॉट पे मैं हूँ, जाँच करते हैं। सर आगे इस घटना कैसी घटना रोकने के लिए कुछ कार्रवाई होगी क्या? बिल्कुल, निश्चित रूप से ट्रैफिक प्लान तैयार किया जाएगा, बैरिकेडिंग लगाई जाएगी इस स्पॉट पे कि भविष्य में इस प्रकार की घटना घटे।